हेलो श्री, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन। आज की स्टूडियो लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। देखिए, मेरे पास काफ़ी दिन से ऐसे कोचों का कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। लेकिन यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बता रहे हैं कि बिहार डीएलएड का जो इस बार एग्ज़ाम है 2023 में वो रद्द हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आज की वीडियो के माध्यम से लोग बात करने वाले हैं, क्या सच में 2023 में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या इसमें सच्चाई है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम अगर होता है तो फिर कब से हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर बच्चे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ सबूत दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने यूट्यूब ओपन कर रखा है और यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बिहार डीएलएड एग्जाम डेट 2023। ठीक है, जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पे वीडियो आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इसका एग्जाम डेट आ गया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बता रहे हैं कि इसका एग्जाम जो है रद्द होगा, इसका एग्जाम नहीं होगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको और बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और है जो कि बता रहे हैं डीएलएड कोर्स बंद हो गया है, इसका एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो कि बता रहे हैं कि इसका एडमिट कार्ड आ गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे थंबनेल लगाकर बता रहे हैं कि इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। सच्चाई क्या है, चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, साथ ही ऑफिशियल जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से बताता हूँ कि आखिरकार एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, और एग्जाम होता है तो फिर कब होगा उसके बारे में समझ लीजिए। फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि क्या सचमुच बिहार डीएलएड का एग्जाम रद्द होगा या फिर यह अफवाह है। तो देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल अफवाह है, बिहार डीएलएड का एग्जाम रद्द नहीं हुआ है और न ही रद्द होगा। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं या फिर जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं, झारखंड में जो डीएलएड कोर्स को बंद करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन बिहार में कुछ ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो पाएगा। और मैंने पूछा भी है कि आखिरकार बिहार डीएलएड का एग्जाम कब होगा, तो उनका क्या जवाब है, सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर। बोले सर कि बिहार डीएलएड का एग्जाम कब होगा सर? काफी हफ्ते दस दिन में सर वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा, वो चेक कर लेना। एक सप्ताह में सर? हाँ, ओके सर, थैंक यू। फ्रेंड, आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा और देखिए ऑफिसर का साफ तौर पर यही कह रहा है कि बिहार डीएलएड का एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, आपका एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा? तो देखिए, बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है वो एक सप्ताह के अंदर ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा साफ तौर पर उनका कहना है। और एग्जाम पूरी तरह से रद्द नहीं है, आपका एग्जाम बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल आप इस टेंशन में न रहें। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एग्जाम किस दिन से स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 10 अप्रैल से एग्जाम होगा, लेकिन हुआ नहीं। और मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उनका कहना था कि सेकेंड वीक में ही बिहार डीएलएड का एग्जाम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और जैसा कि अभी आपने सुना, उनका कहना है कि आपका जो एग्जाम है थर्ड या फिर फोर्थ वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो हो सकता है कि 23-24-25 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर अप्रैल में नहीं होता है तो फिर मई के फर्स्ट सप्ताह में तो आपका एग्जाम शुरू हो ही जाएगा 100%। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको लेकर कंफ्यूजन में ना रहे कि एग्जाम कब होगा, बिल्कुल अपनी तैयारी फोकस कीजिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की है कि आपका एग्जाम बिल्कुल रद्द नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा और आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी में बने रहिए, जैसे इसका एग्जाम डेट आ जाता है तो 2 से 4 वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मैं कराऊँगा, जिसके माध्यम आपको सारे जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दे दिया। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।